हाय एवरीवन, वेलकम टू डीवी स्टूडियो। आज हम सीखेंगे लुमियन में कैसे आप स्पॉटलाइट्स ऐड कर सकते हैं एंड स्पॉटलाइट से होने वाले कुछ उसके शैडो इफेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक स्केचअप फाइल इंपोर्ट की हुई है पहले से ही, जिसमें मेरे को स्पॉटलाइट्स लगानी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो व्यू है वो सन हाइट बिल्कुल कम कर देनी है, जिससे आपका ये नाइट सीन क्रिएट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में जाकर आपको लाइट एंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पॉटलाइट्स, यहाँ पर आप कोई भी स्पॉटलाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन हैं सब स्पॉटलाइट्स के, जस्ट क्लिक। आपको क्या करना है, एडिट प्रॉपर्टी में जाकर लाइट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पैनल ओपन हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल आपका डिफाइन करता है कि आपका ब्राइटनेस लेवल कितना है एंड कितना डिस्टेंस तक आपकी स्पॉटलाइट कवर कर सकती है, तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोन एंगल, कोन एंगल भी आपका डिफाइन करता है कि आपकी लाइट कितने एंगल तक, कितना वाइड वो स्प्रेड हो सकती है। इसके बाद डी सेलेक्ट कर देंगे, देन मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट करके देन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे लाइट को विद ऑल्ट की, देन इसे कॉपी कर देगा इस लाइट को, अपनी स्पॉटलाइट प्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ हमें स्पॉटलाइट लगानी है। इसके बाद फोटो में जाएंगे, एक रेंडर निकाल के देखेंगे, यहाँ पर एक न्यू सीन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू इफेक्ट। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हम लाइट्स के लिए कर लेते हैं, जैसे ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन से क्या होता है, जब भी आप कोई लाइट देंगे तो आपके सरफेसेस पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो वो अपने आप थोड़ा ग्लो होने लग जाता है, एक नेचुरल इफेक्ट देता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं कुछ और रियलिस्टिक व्यू को बनाने के लिए। कैमरा सेटिंग में से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से क्या होता है, जब भी आप कोई व्यू ले रहे हैं उसका एंगल ठीक करने के लिए, जो भी आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं लाइक डोर, वॉल, कोई भी आपका डिज़ाइन होता है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस लाइंस को आपके व्यू के अकॉर्डिंग अलाइन कर देता है। यहाँ पर रेंडर निकाल के देख लेते हैं, आप इसमें देख सकते हैं जहाँ पर स्पॉटलाइट्स लगाई हैं हमने, सिर्फ ये वहीं पर लाइट दे रहा है, इस रूम को ओवरऑल एक ग्लो देने के लिए, थोड़ा और लाइटिंग इफेक्ट डालने के लिए हम ओमनी लाइट ऐड कर सकते हैं। वापस से बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड में जाकर लाइट एंड इफेक्ट सेलेक्ट, लाइट, ओमनी लाइट, देन लाइट फिल, देन इसको प्लेस कर देंगे। एडिट प्रॉपर्टीज, अगेन इसकी ब्राइटनेस हम सेट कर देंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। इस केस में इसकी ब्राइटनेस 400 के अराउंड में वैल्यू दे देता हूँ। देन रेंडर निकालते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों व्यूज में डिफरेंस देख सकते हैं। आपका स्पॉटलाइट ऐड करने के बाद भी हमें एक लाइट ऐड करनी पड़ जाती है, जिससे ओवरऑल ग्लो आपका एक दे देता है, एक नेचुरल आपको लाइट दे देता है आपके उस रूम में। तो ओमनी लाइट भी आप अपने सीन के अकॉर्डिंग एंड अपने रूम के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, एंड उसकी ब्राइटनेस भी आप सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ सैम्पल व्यूज देख सकते हैं जो मैंने इसी व्यू में निकाले हैं, स्पॉटलाइट्स और ओमनी लाइट्स को ऐड करके।
तो इस तरीके से आप अपने सीन में स्पॉटलाइट्स ऐड कर सकते हैं, स्पॉटलाइट्स ऐड कर सकते हैं, ओमनी लाइट लगा सकते हैं उसको और नेचुरल ग्लो करने के लिए, एंड उससे आप इफेक्ट देख सकते हैं आप कैसे ऑब्जेक्ट अपनी शेडो क्रिएट करते हैं फ्लोर पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।